नमस्कार, मम्मा बच्चा में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब बच्चे को कोल्ड कफ हो तो उस टाइम पे क्या फूड्स अवॉइड करना चाहिए, क्या फूड्स हैं जो कि बच्चे को नहीं देना चाहिए जिससे कि जो सर्दी खांसी है वो और ज्यादा ना बढ़ सके। मोस्टली पेरेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है जब बच्चे को कोल्ड कफ होता है, उन्हें समझ नहीं आता कि उस टाइम पे हमें बच्चे को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। तो हमने सोचा कि हमें इस पर एक वीडियो करना चाहिए। हम आपको इसमें ये बताएंगे कि जब हमारी बच्ची को कोल्ड कफ होता है तो हम उस टाइम पे अपनी बेटी को क्या नहीं देते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा जिससे कि हमें समझ आए कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है। बेबी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मम्मा बच्चा को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी कि जब भी बच्चे को सर्दी खांसी हो तो उस टाइम पे आप ये ध्यान रखिए कि बच्चा हाइड्रेटेड रहे, उसको आप पानी ध्यान से देते रहे हर एक इंटरवल पे, अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो, और अगर बच्चा आपका 6 महीने से छोटा है तो आप उसको हर एक डिमांड पे ब्रेस्ट मिल्क देते रहे, क्योंकि हो सकता है बच्चे को डायरिया होने का खतरा हो सकता है बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाए, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज, जब भी बच्चे को सर्दी खांसी हो तो आप ये मत सोचिए कि हमें 3 मील्स देनी है, आप स्मॉल मील्स फ्रीक्वेंटली दे सकते हैं, वो बच्चे को बहुत फायदा भी करेगा और बच्चा अच्छे से लेगा भी। तो चलिए अब हम देखते हैं हमें क्या फूड्स अवॉइड करने हैं। तो सबसे पहले लिस्ट में है डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, चीज हो गया एंड आपका छाछ हो गया, आइसक्रीम हो गया, तो इन सबको बच्चे को नहीं देना है अगर बच्चे को कोल्ड कफ है, क्योंकि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे जो म्यूकस होता है कोल्ड कफ के टाइम पे, जो भी म्यूकस बनता है हमारी बॉडी में, वो और ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, थिक हो जाता है, तो बच्चे को ब्रीथ लेने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वो कोल्ड कफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, डेयरी प्रोडक्ट आप कम से कम दीजिए। ब्रेस्ट मिल्क फॉर श्योर आप दे सकते हैं, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट को आपको नहीं देना है। और जैसा कर्ड के बारे में हम जानते हैं, कर्ड में थोड़ा कूलिंग इफेक्ट होता है, तो कुछ पेरेंट्स स्टिल देते हैं कर्ड ड्यूरिंग कोल्ड और कफ, बट हम पर्सनली, मैं बताऊं तो मैं अपनी बच्ची को कर्ड नहीं देती हूं अगर उसे कोल्ड या कफ है। इवन विंटर्स की अगर मैं बात करूं तो हम उसे शाम को 4-5 बजे के बाद भी कर्ड नहीं देते हैं, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करना है। नेक्स्ट लिस्ट में है कुछ ऐसे फ्रूट्स जो कि कोल्ड कफ को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि साइट्रस फ्रूट हो गया, ग्रेप्स हो गए, ऑरेंज हो गए, मौसमी हो गया, इन सब को आप बच्चे को मत दीजिए अगर बच्चे को कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, क्योंकि बच्चे अगर साइट्रस फ्रूट का इंटेक करेंगे तो जो कफ है खांसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी बच्चे को, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बनाना आप मत दीजिए अगर बच्चे को कोल्ड कफ हो रहा है। इससे अच्छा है आप कुछ ऐसे फ्रूट दीजिए जो कि लिक्विड हो, जिनमें जैसे कि वाटरमेलन हो गया, एप्पल हो गया, पियर हो गया, पाइनएप्पल हो गया, इन सबको आप दे सकते हैं, तो जो कि बच्चे को फायदा करेगा। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स जिसमें कूलिंग इफेक्ट होता है, जैसे कि कुकुम्बर हो गया, खीरा को हम नहीं देते हैं जब बच्चे को कोल्ड कफ होता है, और पम्पकिन हो गया, कद्दू को भी अवॉइड किया जाता है, क्योंकि पम्पकिन जो होता है वो थोड़ा ठंडा होता है तो बच्चे को नुकसान करता है, तो आपको पम्पकिन और कुकुम्बर पूरी तरीके से अवॉइड करना है। जितनी भी स्वीट डिशेस हैं या शुगर, इवन जो वाइट शुगर होती है, रिफाइंड शुगर होती है, वो भी बच्चे को नहीं देना है, वो भी उससे क्या होता है, बच्चे को थ्रॉट इन्फेक्शन हो जाता है, थ्रॉट में काफ़ी इरिटेशन होती है, तो जिसकी वजह से खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, तो आपको शुगर या स्वीट प्रोडक्ट्स नहीं देने हैं बच्चे को अगर उसे कोल्ड कफ है तो। स्पाइसी और ऑयली फूड आप पूरी तरीके से अवॉइड करिए अगर आपके बेबी को कोल्ड कफ हो रहा है। मिर्च मसाला हम जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं हम उन्हें नहीं देते हैं, लेकिन जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं जिनको अगर आप दे रहे हैं तो कोल्ड कफ के टाइम पे आप ध्यान रखिए कि स्पाइसी फूड नहीं दीजिए, जंक फूड नहीं दीजिए, बहुत ज़्यादा ऑयली फ्राइड फूड नहीं दीजिए, इससे खांसी है, कफ है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल का अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको आगे और भी बेबी रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहें। थैंक यू सो मच।